सब्सक्राइब कीजिए प्रिंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना तुरंत आपको मिले। 16.2 सवाल नंबर आपके तीन है, एक और दो जो दिया था ना उसका उल्टा दे रखा है, मतलब यहाँ पे आपको चित्र दे रखा है और आपको ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। देखो क्या लिखा है सवाल में, संकलन पाई चार्ट 16.11, ये पाई चार्ट है 16.11। आपसे कहा है एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। ये जो पाई चार्ट है ना, उसके पास सामाजिक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और विज्ञान में प्राप्त अंकों को क्या करता है, दर्शाता है। अब ये दर्शा रहा है डिग्री में, किसमें दर्शा रहा है, डिग्री में दर्शा रहा है कि उसको गणित में इतने अंक मिले, सामाजिक विज्ञान में इतने मिले, गणित में इतने मिले, अंग्रेजी में इतने मिले, ये सब अंक मिल रहे हैं उसको। आगे कह रहा है उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 900 है। उस विद्यार्थी ने परीक्षा में कुल कितने अंक प्राप्त किए, 900 अंक प्राप्त किए, ठीक है। अब नीचे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, आपको ये तीन प्रश्न दे रखे हैं और इन तीन प्रश्नों का क्या करना है, आपको उत्तर ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जैसे हमने उसमें डिग्री का मान निकाला था, कोण निकाला था, पहले प्राप्तांक दिए हुए थे उसे कोण निकाला था, अब यहाँ कोण दिए हुए हैं और इन कोण से क्या निकालेंगे, पहले प्राप्तांक निकालेंगे। देखो कैसे बनेगी, सबसे पहले तो लिखेंगे विषय, सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, और यहाँ आ जाएगा कोण, यहाँ क्या आ जाएगा, और फिर क्या ज्ञात करेंगे, प्राप्तांक, क्या ज्ञात करेंगे, हम प्राप्तांक ज्ञात करेंगे। बताओ विषय सबसे पहले ले लो कौन सा है, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपके गणित, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपके अंग्रेजी, आगे अंग्रेजी, चौथे नंबर पे आ जाएगा आपके हिंदी, और पांचवे नंबर पे आ जाएगा आपके विज्ञान, ऐसे आ जाएंगे आपके, ठीक है। अब ये आने के बाद कोण दे रखे, बताओ इसका कितना है आपके 60, फिर क्या है आपके 100, फिर आपके 50, फिर आपके 72 डिग्री, फिर आपके 80 डिग्री, और बताओ इन सब कोणों को जोड़ने पर कितना आता है, 360 आता है। कोण को जोड़ने पर कितना आएगा, कल बताया था मैंने कि ये वर्त है, वर्त के अंतर्गत सभी कोणों का जोड़ कितना होता है आपके, 360 होता है ना, इन सबको जोड़ोगे 60, 100, 48, 72, 80 को जोड़ कितना आएगा आपके, 360 आएगा, जोड़ कितना आएगा आपके 360 हो गया। देखो ध्यान दो, टोटल जोड़ कितना होता है 360। अब देखो हमें ज्ञात करने प्राप्तांक, क्या ज्ञात करने, तो जैसा उसमें किया था, ये जो कोण है इसमें कुल का भाग दे देंगे, कुल का भाग दे देंगे, और टोटल प्राप्तांक कितना था 900 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, जैसा उसमें किया था ना, इसमें कुल का भाग दिया था और उसमें 360 से गुणा किया था, सेम यहाँ भी वैसा है, ऊपर तो आएगा 60, यहाँ इसमें किसका भाग देंगे 360 का, यहाँ भी 100 में भी किसका भाग देंगे 360 का, यहाँ 48 में भी किसका भाग देंगे 360 का, और यहाँ 72 में भी किसका भाग देंगे 360 का, और यहाँ 80 में भी किसका भाग देंगे 360 का, और बताओ कुल प्राप्तांक कितने थे आपके 900, तो सबको किससे गुणा कर देंगे 900 से, यहाँ भी गुणा करो 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 900 से, और यहाँ भी गुणा करेंगे 900 से, क्योंकि कुल प्राप्तांक कितना था 900 था। अब देखो जोड़ भाग करते हैं, 0 से 0 9 का भाग देते हैं 9 चौका 36 और 9 का भाग जाएगा 10 बार, इसमें 2 का भाग जाएगा 2 बार और यहाँ 2 का भाग जाएगा 5 बार, ठीक है ना। तो देखो ये तो कितनी बार कटा 5 बार, और ये कितनी बार 2 बार, ये तो कितनी बार 5 बार, ये कितनी बार 2 बार, ये तो कितनी बार 5 बार, ये कितनी बार 2 बार, ये कितनी बार 5 बार, और ये कितनी बार 2 बार, 2 बार, समझ गए ना। 9 का भाग इसमें 10 बार दिया और इसमें 4 बार गया, फिर 2 का भाग इसमें 2 बार गया और 2 का भाग इसमें 5 बार गया, तो हम समझ गए कि ये तो कटा 5 बार और ये कितनी बार कटा 2 बार, कट गया। अब देखो इसे
दो का भाग 60 में कितनी बार? 30 बार। अब 30 को किससे गुणा करेंगे? 5 से। 5 दिया 15, 150 आ गया। तो उसने बताओ सामाजिक विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए? 150। आगे चलो, दो का भाग 100 में कितनी बार? 50 बार। 50 किससे गुणा करेंगे? 50 25। कितने अंक प्राप्त किए? 250। अब अगला, दो का भाग जाएगा 48 में कितनी बार? 24 बार। 24 को किससे गुणा करेंगे? 24 पंजीयो 120। 24 पंजीयो 120। दो का भाग 72 में 36 बार। 36 को किससे गुणा करेंगे? 6 पंजीयो 30। 5 3 15 और 3 18। कितने अंक प्राप्त किए? 180। अब अगला, दो का भाग 80 में कितनी बार? 40 बार। 40 को किससे गुणा करेंगे? 4 पंजीयो 20। इसमें कितने अंक प्राप्त किए? 200 अंक प्राप्त किए। अब ये आपके अंक आ गए। क्या आ गए ये आपके? पहले कोण में दे रखे थे, अब हमने किसमें निकाल लिए? अंकों में। क्योंकि आप देखो यहाँ पे निम्न प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। सबसे पहले, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 250 अंक प्राप्त किए? बताओ किस विषय में 250 है? किस विषय में किए? किस विषय में किए 250? कौन सा विषय आ जाएगा? गणित आ जाएगा। कौन सा विषय आ जाएगा? गणित। पहले ये निकाल लोगे तो आराम से आप सवाल कर पाओगे। समझ में आई बात है? दूसरा, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने ज्यादा अंक प्राप्त किए? वो कह रहा है कि उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने ज्यादा अंक, बताओ गणित में कितने अंक आए? 250। और हिंदी में कितने आए? 180। तो बताओ गणित में कितने ज्यादा आए? 70 ज्यादा है ना? कितने ज्यादा है? यहाँ कर लेंगे माइनस, गणित के अंकों को माइनस कर लेंगे किसके अंकों से? हिंदी के अंकों से। बताओ गणित में कितने आए? 250। और हिंदी में कितने आए? 180। बाकी करो, कितना आ गया आपके? 70 अंक ज्यादा मिले। किसमें मिले? गणित में। ठीक है, अब लास्ट वाला, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित से प्राप्त किए गए अंक, सामाजिक विज्ञान और गणित से प्राप्त किए गए अंकों का योग अंग्रेजी और हिंदी से प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। मतलब क्या बताना है कि सामाजिक विज्ञान और गणित में आपने अंग्रेजी और हिंदी से ज्यादा अंक प्राप्त किए, क्या ये सही है या गलत है, जांच करना है। तो बताओ, एक तो है सामाजिक विज्ञान और प्लस इसमें क्या है आपके? गणित। एक तो दोनों को जोड़ो, बताओ दोनों का। सामाजिक विज्ञान में कितने अंक मिले? 150। प्लस गणित में कितने अंक मिले? 250। बताओ दोनों का जोड़ कितना हो गया आपके? 400। दोनों में कितने अंक आए उसके? 400। अब दूसरा है अंग्रेजी और हिंदी, बताओ अंग्रेजी में कितने, अंग्रेजी और क्या है आपके? अंग्रेजी प्लस हिंदी। बताओ अंग्रेजी में कितने नंबर मिले? अंग्रेजी में कितने नंबर मिले? 120। कितने मिले? 120। और हिंदी में कितने मिले? 180। बोलो जोड़ो बताओ कितना हो गया? 300। कितना हो गया? 300। बताओ किसमें ज्यादा मिले? गणित और सामाजिक विज्ञान में ज्यादा मिले ना। तो ये हो गई आपकी जांच। तो यहाँ लिख सकते होता है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक और गणित, सामाजिक विज्ञान और गणित में हमें ज्यादा अंक प्राप्त किए। आपको सबसे पहले प्राप्त अंक याद करने, ठीक है, और फिर प्राप्त अंक याद करने के बाद इन सवालों का जवाब आपको देना है। आगे समझे, ऐसा भी आ सकता है आपके परीक्षा में सवाल चित्र बना बना आएगा और उसका जवाब आपको देना होगा। देखो ध्यान दो, सवाल नंबर है आपके 4, इसमें आपको पाई चार्ट बनाना है, ठीक है ना। जैसे पहले में बनाया था, जैसे दूसरे में बनाया था, वैसे पाई चार्ट बनाने। क्या लिखा है? निम्नलिखित सूचनाओं को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट कीजिए। यह सारणी किसी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाले खेलों को दर्शाती है। आपसे कहा है कि ये जो सूचना दे रखी है इससे हमें क्या बनाना है? पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट का मतलब समझते हो? एक वर्ष के अंदर इनको क्या करना है? हमें दर्शाना है। जैसे ये कोई वर्ष है, अब इस वर्ष के अंदर ये इसका केंद्र हो जाएगा, इन सूचनाओं को यहाँ दर्शाना है आपको, ठीक है। तो क्या लिखा है? खेल है खो खो। खो खो को कितने विद्यार्थी पसंद करते हैं? 5। कबड्डी को 6। फुटबॉल को 7। क्रिकेट को 18। अब हम कुल योग जोड़ लेंगे, कुल कितने छात्र हैं? 5 और 6 11।
ग्यारह और सात अठारह, अठारह और अठारह टोटल छात्र कितने हैं? छत्तीस छात्र है। अब ये तो देखो छात्रों की संख्या दे रखी है, जबकि हम वर्ग के अंदर कौन होता है, कौन कितने डिग्री कौन होता है, 360 डिग्री का वर्ग के अंदर बनने वाला कौन कितना डिग्री का होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे 360 डिग्री का भाग। जैसे बताया था पहले, अब इनके मान निकालेंगे हम डिग्री में। देखो यहाँ कितना लिखेंगे, पाँच, यहाँ छः, यहाँ सात, यहाँ आठ, अठारह, ठीक है। अब जैसा उसमें किए थे, समय किसका भाग देंगे, छत्तीस का, बताया था ना, यहाँ भी किसका भाग देंगे, छत्तीस का, यहाँ भी किसका भाग देंगे, छत्तीस का, यहाँ भी छत्तीस का, यहाँ भी छत्तीस का, हर बार कुल योग का भाग देना है। अब बताओ गुणा किससे करेंगे, 360 से, यहाँ भी 360 से, यहाँ भी 360, यहाँ भी 360, 360 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वर्ष में कौन कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है ना। अब करो देखो, छत्तीस का भाग दो, छत्तीस देखा छत्तीस, दस बार है, दस बार, यहाँ भी दस बार, यहाँ भी दस बार, यहाँ भी दस बार, हर बार दस बार, या अब कौन पाँच किससे गुणा करेंगे, पाँच दस पचास, अब दस को किससे गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, अब सात किससे गुणा, दस से कितना आ गया, सत्तर, अठारह किससे गुणा करेंगे, कितना आ गया, सब कोणों को जोड़ोगे तो जोड़ने पर कितना आएगा, 360 आएगा। तुमने ऐसे कोण निकाल लेंगे, अब कोण निकालने के बाद एक वर्त बनाएंगे ऐसा, और वर्त में दर्शाएंगे जैसा मैंने कल बनाना सिखाया था आपको। सबसे पहले तो इस केंद्र से परिधि तक एक लाइन बना लेंगे, ऐसे बना ली। अब इसको बनाएंगे हम डी की सहायता से, चांदी की सहायता से। सबसे पहले कौन सा सब क्या खेल है, खोखो, खोखो में कितना डिग्री बन रहा है, 50। यहाँ रखेंगे चांदी को, और यहाँ से मां यहाँ बन जाएगा आपके 50 डिग्री का कोण, कितना बना लेंगे, 50 डिग्री का। बताओ इस खेल का क्या नाम है, खोखो, क्या नाम है, खोखो। चाहे लिख सकते हो कितने विद्यार्थी पसंद करते हैं, 5 विद्यार्थी पसंद करते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी ऐसे घुमा लेंगे इसको, कॉपी को, और चांदा कहाँ लिखेंगे, अभी यहाँ रखेंगे, इस जगह पर रखेंगे चांदा, ठीक है, इस जगह पर रखे। अब अगला खेल कौन सा है, कबड्डी, कितने कितने, 60, यहाँ रखे हम बना देंगे 60 डिग्री का कोण, ये बन जाएगा 60 डिग्री का। बताओ इस खेल का क्या नाम है, कबड्डी, इस खेल का क्या नाम है, कितने छात्र पसंद करते हैं, 6 छात्र पसंद करते हैं। फिर कॉपी कैसे घुमा लेंगे, अब चांदा कहाँ रखेंगे, इस लाइन पर रखेंगे जैसे मैंने कल सिखाया था। बताओ फुटबॉल कितना है, यहाँ से हम बना लेंगे 70 डिग्री का कोण, कितने का, 70 डिग्री का कोण बना लेंगे, ये बिल्कुल सीधा बन जाए, थोड़ा सा ये तिरछा बन जाए, ठीक है ना। यहाँ पे कितने पड़ गए आपके, 70 डिग्री का कोण, ये आपके 50 वाला थोड़ा छोटा बनेगा, चांदे से बनाओगे तो बिल्कुल सही पड़ेगा, ये 50 का है। बताओ क्या खेलता है, खो, ठीक है ना, कितने डिग्री का है, 50, और ये 60 का भी थोड़ा छोटा बन जाएगा, ये 60 का भी आपको कैसे बनता है, यहाँ कितने का है, 60 का, क्या खेलते हैं, कबड्डी, कबड्डी, क्या खेलते हैं, और तीसरा खेल यहाँ क्या खेलते हैं, फुटबॉल। अब ये जो लास्ट में बचा ना ये वाला पूरा कंप्लीट, ये कितना है, 180 डिग्री ऑटोमेटिक बन जाएगा, ये वाला कौन कितने का, और बताओ यहाँ क्या खेलते हैं आपके, क्रिकेट, क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। आपको ऐसे बनाना है, इसे माप के बनाओगे ना बिल्कुल एग्जिट आएगा, सही से आएगा, आगे सुन में ध्यान दो। पांचवे में भी आपको पाई चार्ट ही बनाना है, क्या लिखा है, भारत सरकार की जनधन योजना के अंतर्गत कोटा शहर में एक माह में निम्न बैंकों में खोले गए खातों की संख्या को पाई चार्ट में दर्शाई है। एक महीने के अंदर इन बैंकों में बैंकों ने कुछ बैंक SBPJ, SBI, IDBI, BOI, इन बैंकों ने कोटा शहर में इतने खाते खोले। SBI ने 21,000 खाते खोले, SBPJ ने 21,000, SBI ने 18,000, IDBI ने और BOI ने 9,000 खाते खोले। तो सबसे पहले तो आप इसको पाई चार्ट बनाना है। अब यहाँ खातों की संख्या दे रखी है, हमें खातों की संख्या का मान किसमें चाहिए, डिग्री में, डिग्री में चाहिए, तभी तो वर्त बना पाएंगे और वर्त के अंदर कर इसको दर्शा पाएंगे। सबसे पहले तो खातों का योग करते हैं कि कुल कितने खाते इन्होंने खोले। देखो ये 21,000 और ये 18,000, बताओ जोड़ो 21,000 और 18,000 कितना हो गया आपके,
39,000 कितना हो गया? 39,000 में फिर 6 जोड़ो 45,000 45,000 में 9 जोड़ो 54,000 टोटल कितने खाते खुले? 54,000 खाते खुले। समझ आ गया? टोटल कितने खाते खोले बैंको ने? 54,000। जोड़ लेना अच्छी तरीके से। ये देखो 9 और 6 हो गए 15, 15 18 33, 33 और 21 हो जाते 54,000। ठीक है, अब आगे कहना है आप क्या लिखेंगे आप बताओ। 360 डिग्री का भाग लिखेंगे, यहाँ लिखना है बस आपको ये। ठीक है ना, अब इसके बाद देखो ध्यान दो क्या करेंगे। जैसे SBI का डिग्री का भाग निकालना है, SBI के खातों की संख्या लिखी कितनी आपके 21,000, फिर यहाँ कितनी आपके 18,000, फिर यहाँ कितनी आपके 6,000, कितनी है 6,000, और फिर यहाँ कितनी आपके 9,000। ठीक है ना, अब सब में किसका भाग देते हैं? कुल योग का भाग देते हैं। बताओ कुल योग कितना है? 54,000 है। यहाँ भी भाग देंगे 54,000 का, यहाँ भी भाग देंगे 54,000 का, यहाँ भी भाग देंगे 54,000 का, और यहाँ भी भाग देंगे 54,000 का। सब में 54,000 का भाग देंगे। दे दिया भाग। अब भाग देने के बाद बताओ गुणा किससे करेंगे? 360 से। क्यों करेंगे 360 से? क्योंकि वर्ग के अंदर का कोण कितने डिग्री का होता है? 360। यहाँ भी भाग गुणा करेंगे 360 से, यहाँ भी 360 से, यहाँ भी 360 से, और यहाँ भी 360 से। अब एक जगह भाग दे लो तो भाग ऑटोमेटिक चल जाएगा। देखो जीरो से जीरो कैंसिल। अब देखो यहाँ 36 में किसका भाग जाता है? 9 का या 12 का भी जाता है? 36 और 9 का 54 भी जाएगा क्या? 54 हो गया ना 6, यानी कि 600 बार। फिर बताओ इसमें 2 का भाग जाता है 2 बार, और इसमें 2 का भाग 300 बार, और इसमें 2 का भाग कितनी बार गया? 150 बार। डायरेक्ट 360 का भाग जाएगा इसमें कितनी बार? 150 बार जाएगा। 360 कैसे छोटे छोटे काट लो फिर बाकी नहीं पड़ेगी आपको जरूरत। बताओ यहाँ भी बार कितनी बार जाएगा? 150 बार। यहाँ भी 150 बार, यहाँ भी 150 बार, सब में बार 150 बार जाएगा। ठीक है, अब देखो 150 का भाग किसमें देंगे? 21,000 में। जीरो से तो जीरो कैंसिल। अब 15 का भाग दो, 15 एक टाइम 15 एक बार, 15 एक टाइम एक बार गया। आप देखो यहाँ कितना बच गया आपके? 6, 6 बचते कितना हो गया? 7, 15 चौको 60, 4 बार और जीरो की। बताओ कितने डिग्री कोण बना? 140 डिग्री का। अब यहाँ देखो जीरो से जीरो कैंसिल। बताओ 15 एक का कितना बच गया? 3, 30 हो गया, 15 दूनी 30 और जीरो की 120 डिग्री आ गया। जीरो से जीरो कैंसिल, 15 चौका 60 और जीरो आ जाएगी 60। अब यहाँ देखो जीरो से जीरो कैंसिल, 15 छिक्की 90 और यह आ जाएगा जीरो। बताओ यहाँ कितना है टोटल? सबको जोड़ोगे तो जोड़ कितना आएगा? 360। आगे डिग्री का मान अब बनाना है पाई चार्ट। क्या बनाना है? पाई चार्ट। वर्ट बनाएंगे, ये बनाया मैंने वर्ट, बन गया, और ये हो गया इसका केंद्र। केंद्र से बिना नापे एक लाइन बना लिया, बन गई। आप बताओ सबसे पहले कौन से बैंक है? SBI। कितने डिग्री कोण आ रहा है? बताओ ये बन जाएगा डी, यार ये चंदा, और यहाँ से इसको ऐसे गिरोगे, यहाँ बन जाएगा आपके 140। बैंक कौन सा है? SBDJ। अब खातों की संख्या लिखना चाहो लिख रहे कितने? 21,000 खाते कौन है? 21,000। और दूसरा कौन सा है आपके? 120। देखो यहाँ ये बन जाएगा आपके, यहाँ रखिए चंदा इसको ऐसे घुमा लेंगे गोपे को, यहाँ कितना डिग्री कौन बन रहा है? 120। बैंक कौन सा है? SBI। ठीक है, अब अगला है IDBI में कितना है? 40। यहाँ देखो IDBI का ये बना लेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा आपके? 40 डिग्री आ जाएगा आपके 40 डिग्री। बताओ बैंक कौन सा है? IDBI। ठीक है, अब लास्ट कौन सा बचा? BOI। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो ये लास्ट जो बचेगा 60 डिग्री,
और बैंक कौन सा आ जाएगा? बी ओ आई, ऐसे बन जाएगा पाई चार्ट। आपको ऐसे पाई चार्ट बनाना अच्छी तरह सिखा दिया, ठीक है? आगे सुन ले सर, कोई दिक्कत?